मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किताब पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और किताब पढ़ने से क्या होता है, यानी कि रीडिंग। किताब पढ़ना मतलब रीडिंग, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो। हमें हमेशा हर दिन थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने से क्या होता है, जो हमारा दिमाग की कसरत होती है। पढ़ने से हम अपने बॉडी बनाने के लिए, हम जो कसरत करते हैं अपनी बॉडी के लिए, जिम जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ऐसे ही अपने दिमाग की कसरत के लिए हमें हर दिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसे मतलब रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, दिमाग जो है वो तरोताज़ा रहता है, यानी कि दिमाग जो है हमेशा ताज़ा रहता है, हमें कभी सुस्ती नहीं आएगी। पढ़ने से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है और पढ़ने से दिमाग भी तेज़ होता है। जो हमारा दिमाग है वो ज़्यादा पढ़ने से और तेज़ होता रहता है, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें पढ़ने से पता चलती रहती है। और पढ़ने से शब्दों का सही उच्चारण होता है, चाहे इंग्लिश पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो भी आप उसका उच्चारण अच्छा होगा, आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। और पढ़ने से हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के हमेशा अभ्यास करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। ये आदत नहीं होती, इसको आदत हमें बनानी पड़ेगी। पढ़ने की जो आदत, वो हर एक के अंदर नहीं होती और हर कोई बोर होता है तब, जब कुछ होता है तो हमें हमेशा क्या होता है, जब हम बोर होते हैं तो हमें हमेशा रीडिंग करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक एक पेज हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपकी बुक का, हिंदी 2 की बुक का, मेधा बुक से मैं पार्ट 2 पेज नंबर 50 में से कुछ पढ़ने जा रही हूँ। ऊपर का जो पैराग्राफ, आप उसको मैं पढ़ूँगी और आप उसे मेरे पीछे दोहराएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप उसको पढ़ना ना है उतनी बार आप उसे दोहराएं, ताकि आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी और आपको पढ़ना आ जाएगा और उसके साथ साथ आपका उच्चारण भी सही होगा। आप सुस्त नहीं रहोगे, आपका दिमाग कसरत करेगा और आपका दिमाग तेज होगा। तो बच्चों, पेज नंबर 50 में से एक वन में एक सुंदर झील थी। एक वन में एक सुंदर झील थी। उसमें बहुत सी छोटी बड़ी मछलियाँ, मेंढक, कछुए एवं अन्य जलीय जीव सुखपूर्वक रहते थे। तो मैंने क्या पढ़ा, एक वन में एक सुंदर झील थी। उसमें बहुत सी छोटी बड़ी मछलियाँ, मेंढक, कछुए एवं अन्य जलीय जीव सुखपूर्वक रहते थे। जलीय मतलब जल के और भी जीव, जो जल के रहने वाले जीव हैं, जो पानी में रहते हैं। झील के किनारे ऐसे पढ़ना आपको, एक लाइन को दो तीन बार। झील के किनारे छायादार पेड़ लगे थे। अब एक साथ, झील के किनारे छायादार पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर दूर दूर से पक्षी आकर बसते थे। और झील में पानी पीते तथा क्रीड़ा करते थे तथा
क्रीड़ा करते थे। क्रीड़ा मतलब खेलते थे। लंबे समय से वर्षा ना होने के कारण धीरे धीरे झील का पानी कम हो गया। गर्मी के दिनों में झील का पानी जल्दी गरम हो जाता था। अब झील में पक्षियों के लिए नहाना और पानी पीना कठिन हो गया। झील के किनारे पेड़ों पर रहने वाले पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। तो बच्चों, इसको आपको ऐसे ही धीरे धीरे एक एक शब्द को आराम आराम से पढ़ना है, क्योंकि अभी आपको पढ़ना नहीं आता, तो आप इसका अभ्यास करेंगे और इसी पैराग्राफ को कम से कम पाँच छः बार जब तक आपको अच्छे से पढ़ना नहीं आता, तो उसको बार बार आप इसका घर पे अभ्यास करेंगे। फिर दोबारा मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। शब्दों को सुनो, ध्यान दो और फिर उसी के साथ साथ अपने बुक खोल के बैठना। जब भी ये मैं पाठ पढ़ूंगी तो आप अपने बुक खोल के बैठना और अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करना कि कौन से शब्द मैं पढ़ रही हूँ। तो इसको मैं फिर दोबारा एक बार फिर पढ़ देती हूँ। एक वन में एक सुंदर झील थी, उसमें बहुत सी छोटी बड़ी मछलियाँ, मेंढक, कछुए एवं अन्य जलीय जीव सुखपूर्वक रहते थे। झील के किनारे छायादार पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर दूर दूर से पक्षी आकर बसते थे और झील में पानी पीते तथा क्रीड़ा करते थे। लंबे समय से वर्षा ना होने के कारण धीरे धीरे झील का पानी कम हो गया। गर्मी के दिनों में झील का पानी जल्दी गर्म हो जाता था। अब झील में पक्षियों के लिए नहाना और पानी पीना कठिन हो गया। झील के किनारे पेड़ों पर रहने वाले पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। तो बच्चों, इसी पैराग्राफ को आपको बार बार पढ़ना है। मैंने बताया ना, पढ़ने से क्या होगा, आपका दिमाग तेज होगा, आपके दिमाग की कसरत होगी, शब्दों का उच्चारण होगा। इसीलिए आपको जब तक अगली कक्षा है जब तक इसको आप कम से कम 5-6 बार इसी पैराग्राफ को पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ यहीं तक पढ़ना और मेरे वीडियो सुन सुनकर उसको मेरे पीछे जैसे मैं बोलूँगी उस मेरे पीछे उसे दोहराना, ठीक है। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।